Subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. तुम्हें क्या हो गया? अकड़ गया हूँ मैं। व्हाइट वॉकर जैसी फीलिंग आ रही है, लिविंग बियॉन्ड द वॉल। क्यों? क्यों? 16 पे एसी, फैन फुल स्पीड। तुम्हें ठंड लग रही थी? ठंड मचा रखी थी तुमने। कुल्फी जम गई मेरी। कल तो बिल्कुल नॉर्मल था। बट तुम्हारा बीपी तो नहीं ड्रॉप हुआ रात को? बिकॉज़ दैट्स नॉट नॉर्मल। अगर ऐसा हुआ है तो वी शुड गेट इट चेक, यू नो। क्योंकि रात को बीपी ड्रॉप होना कुड बी अ सिम्पटम ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम। डॉक्टर के पास ले चलूं? है ना? You get it checked, yeah? We should definitely speak to a doctor, yeah? What are you doing? एसी बंद हो गया था, पता नहीं कैसे। अरे मैंने बंद किया था। इतनी ठंड है बेबी। ठंड है, पसीने छूट रहे हैं। वो तो इसलिए क्योंकि तुमने स्वेटर पहन रखा है। बेबी तुम्हारा बीपी तो डाउन नहीं है? मेरे बीपी को कुछ नहीं हुआ है। इट्स विंटर्स। मेरे पैर देखो कितने ठंडे पड़े। सो जाओ स्वेटर उतार दो। सो स्पाइसी यार। सो माइंड ब्लोइंग यार। इट्स ऑसम। अरे क्या ऑसम, प्रेगनेंसी में इतना स्पाइसी खाना नहीं चाहिए, एसिडिटी हो जाएगी यार। क्यों? इट्स नॉट सो स्पाइसी। थोड़ा स्पाइस तो चाहिए ना खाने में। थोड़ा, मेरे आंसू निकल रहे हैं यार। बेबी कुछ नींबू या कुछ दो यार, दही दो। बेबी बहुत अच्छा बना। हाउ जीजी? हाउ तो ठीक है, खाओ कैसे? ओह गॉड यार, बेबी को कितनी बार बोला है इतनी मिर्ची ना डाला करे। कितनी मिर्ची डाली है यार, खाया नहीं जा रहा मेरे से। तुमने तो बोला था कि पिछली बार वाली सेम ग्रेवी बनाना। याद है पिछली बार कितनी स्पाइसी थी, मैं खा भी नहीं पाया। दिस इज द सेम। वो तो ठीक है यार, लेकिन प्रेगनेंसी में इतनी मिर्ची कौन खाता है? एसिडिटी हो जाएगी। लुक एट मी, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है। इसे चटनी की तरह खाना पड़ रहा है यार। आई कांट ईट दिस। मेरे को दही दे दो प्लीज, ये खा लो तुम। रेडी। व्हाट्स दैट स्मेल? दैट्स ऑसम। इट्स माय न्यू परफ्यूम। आई लव इट। अर्चना कैंसिल कर दे। बैड फॉर द बेबी। हाँ? गंदा असर पड़ेगा बेबी पे। कम ऑन, चलो चलो, नो डर्टी टॉक्स। जल्दी वापस आएंगे। let's go baby. Hey, what's that smell? कहीं कोई चूहा मरा हुआ है ऐसा लग रहा है। देखो एसी में से आ रही है क्या? Just check ना। Oh God, oh. कहीं यहीं से आ रही है। Is it the AC? It's coming from you. तुम नहाए नहीं क्या? बोलो ना क्या चाहिए, मैं ला देती हूँ। अरे फ्रिज से एप्पल चाहिए, ले आएगी। तुम क्यों रेस्ट करो? अरे नहीं नहीं, मैं ला देती हूँ। रिमेम्बर डॉक्टर ने कहा था मेरे लिए एक्टिव रहना जरूरी है, और रोज वॉक पे तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो एटलीस्ट घर में चलना फिरना, काम करना, बेड से उतरना चढ़ना, ये सब एक्सरसाइज है। मैं लाती हूँ, और कुछ चाहिए तो भी मुझे बोलना। ओके बेबी, फ्रीजर से चॉकलेट आइसक्रीम ले ना, जो मंगवाई थी, प्लीज। सीरियसली? हाँ, मजाक क्यों करूँगा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। Are you seriously telling a pregnant woman? कि लेटी हुई हो, लेटो मत, उठ के जाओ किचन तक, चल के फ्रिज खोलो, आइसक्रीम निकालो, लेकर आओ। तुमने तो कहा था कि मैं रोज वॉक नहीं कर रही हूँ तो एक्टिव रहना जरूरी है। अच्छा, एक्टिव रहना जरूरी है वो याद है, लेकिन ये नहीं याद कि रेस्ट करना भी तो जरूरी है। रेस्ट ना करूँ, बस एक्टिव ही रहूँ, तुम्हारा काम करती रहूँ, तुम बैठ के टीवी देखते रहो, बड़ा काम कर रहे हो। तुम जाओ आइसक्रीम लेके आओ, दो चम्मच लेके आओ। Yeah, I have everything that I need.
I have you, a loving husband. They have a baby coming. They have such a beautiful house. They have such a beautiful life. Thank you, baby. For what? For just being yourself. For always taking care of me. मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँ तुम कभी मुझे कुछ नहीं कहते हो। बस baby, दहेज का वेट कर रहा हूँ ना अभी। What? How was your day? Look, I'm back early. सीजन फिनाले देखते हैं आज। आज सीजन खत्म कर देते हैं। What say? बस, that's it. क्या लाइफ हो गई है यार? वही सीजन फिनाले, वही सो जाओ, उठ जाओ, वही खाना, वही ऑफिस, फिर घर आओ, वही टीवी, फिर सो जाओ, रिपीट. मतलब क्या हो गया यार ये? मेरी पहले लाइफ कितनी कितनी अच्छी होती थी, कितनी सिंपल होती थी, बट फिर भी एक्साइटिंग होती थी. और अब यू आर आस्किंग मी, तुम्हें दिख नहीं रहा है? कांट यू सी? इट्स लाइक नथिंग मेक्स अ डिफरेंस टू यू. तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से. यू रियलाइज वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स. तुम बाप बनने वाले हो. लाइफ इज फिनिश्ड. ओवर. गॉड, कुछ साल में हम 40 के हो जाएंगे, फिर 50, फिर 60. हमने कुछ अचीव नहीं किया यार लाइफ में. दैट्स इट. हाउ डिड वी रीच हियर? कोई बात नहीं, डोंट स्ट्रेस सो मच, काम डाउन. प्रेगनेंसी में ऐसा होता है. तुम देखना, बेबी आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा. चहल पहल हो जाएगी घर में. और 40, 50, 60, 70 जितने के भी होंगे, विल बी टुगेदर ना बेबी. आई विल बी हियर विथ यू. पक्का? प्रॉमिस. चलो पानी पूरी खाने चलते हैं. आई जस्ट गेट माई बैग. होता है प्रेगनेंसी का ये फेज बहुत मुश्किल होता है हम हस्बैंड्स के लिए. कभी ठंडी में ठिठुर के सोना पड़ता है, कभी गर्मी में आप मफलर डाल के सो रहे होते हो, किसी दिन तीखा खाना खा रहे होते हो, अगले दिन फीका, एक दिन सब कुछ बढ़िया लगता है वाओ, और अगले दिन वही सब कुछ बकवास. अब सोचिए ये मूड स्विंग्स आपके लिए इतने मुश्किल होते हैं, तो हमारी प्रेग्नेंट वाइफ्स के लिए ये मूड स्विंग्स हैंडल करना कितना मुश्किल होता होगा. तो ऐसे में अपना मूड खराब मत कीजिए, बस मेक श्योर आपकी वाइफ का मूड अच्छा हो. पानी पूरी टाइम. Hi guys, if you liked today's episode, please like it, share it and subscribe to Shitty Ideas Trending. And if you want to win SIT merchandise, you have to answer our contest question. वो ये है कि इस एपिसोड में मैंने और छवि ने, यानी कि ऋषि और रोहिणी ने, टोटली कितनी बार कपड़े चेंज किए. Yes, you can leave your answers anywhere in the comment section below at the end of the page. This is both of us signing out. Love and peace from us to you. Both नहीं, all three of us. Both the three of us. Both of us three are signing out. Action. Hey! मत कर. Pregnant woman नहीं इधर. यार बार बार on off मत कर, खराब हो जाएगा. सिर्फ अपनी चिंता है. उसके बाद जो मेरी use का कुछ नहीं. हिंदी में subtitle डालो ना. Got it. Shut up. तुम्हारे पास दो रोटियां हैं, तुमने दोनों खा ली तो क्या बचा? सब्जी. बाप बनने वाले हो. यू रियलाइज वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स. अरे मैंने बंद किया था, इतनी ठंड है. नो योर. नो योर द बेस्ट. नो योर द बेस्ट. ओके आई एम द बेस्ट. चलो अभी बेस्ट हस्बैंड के लिए कुछ चाय वाय बनाओ, पकौड़े बनाओ. शट अप. ज्यादा भी मत करो.